गाइज, वेलकम टू माई चैनल। गाइज, आज की वीडियो में मैं आपके साथ NYBA की न्यूली लॉन्च्ड NYBA एक्स शक्ति क्रीमी मैट लिपस्टिक का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। गाइज, ये कुछ इस टाइप के पैकेजिंग में आती हैं। ये इसकी आउटर पैकेजिंग है। इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसका प्राइस है 249 रुपीज़। 249 रुपीज़ में आपको 4.2 ग्राम प्रोडक्ट मिलता है। यहाँ पर आपको मेंशन किया हुआ है NYBA शक्ति। यहाँ पर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन और मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सब मेंशन किया हुआ है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पे भी ये एड्रेस वगैरह मेंशन किया हुआ है। चलिए, अब मैं आपको इसकी इनर पैकेजिंग दिखाती हूँ। बट गाइज, उससे पहले मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि गाइज, इससे पहले भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में NYBA की न्यूली लॉन्च्ड NYBA एक्स शक्ति लिक्विड लिपस्टिक का रिव्यू शेयर किया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन चेक कर सकते हैं, और उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दिया है, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। चलिए, अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। गाइज, इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस टाइप की है। ये बहुत ही क्लासी पैकेजिंग है इसकी। रोज गोल्ड कलर की पैकेजिंग है। यहाँ पे NYBA और यहाँ पे शक्ति मेंशन किया हुआ है। चलिए, अब मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ। गाइज, ये बहुत ही प्यारा पिंक शेड है। चलिए, अब मैं आपको इसका एक हैंड स्वॉच दिखाती हूँ। गाइज, ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है। जैसा कि मेंशन है कि क्रीमी मैट लिपस्टिक है, तो इनका टेक्सचर बहुत ज़्यादा क्रीमी है। लिप्स पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, चिपचिप फील नहीं होता है। लिप्स पे बहुत इजीली अप्लाई हो जाती है। कलर पे ऑफ बहुत अच्छा है। एक ही स्वाइप में आपको बहुत अच्छा पिगमेंटेशन मिलता है। अगर किसी के ड्राई लिप्स हैं तो उसके लिए भी ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है, क्योंकि ये लिप्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मॉइस्चराइज रखती हैं। तो उनको ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि लिप्स को ड्राई कर देगी, क्योंकि लिप्स को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करेगी। लिप्स पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। इसका स्टेइंग पावर गाइस 2 to 3 आवर्स है, उससे ज़्यादा नहीं है। 2 to 3 आवर्स ये ईजिली लास्ट करती हैं। ट्रांसफ़र प्रूफ बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ट्रांसफ़र होती हैं। आप देख पा रहे होंगे कि कितना ट्रांसफ़र है। अगर 2-3 बार ऐसे किया तो ये लिपस्टिक ऑलमोस्ट निकल जाएंगी, बिल्कुल भी ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है। आप देख पा रहे होंगे ऑलमोस्ट लिपस्टिक मेरे लिप से निकल गई है, सिर्फ हल्का सा टिंट रह गया है। तो बिल्कुल भी ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है। अगर आप कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं, तो ये लिपस्टिक बहुत अच्छे से निकल जाएगी, आपको दोबारा रीअप्लाई करनी पड़ेगी। बट अगर आप कुछ नहीं खाते हैं या कुछ आपने नहीं पिया है, तो ये अच्छे से 2-3 आवर्स लास्ट करेंगी। अदरवाइज़ बिल्कुल भी लास्ट नहीं करेंगी, 2-3 आवर्स भी लास्ट नहीं करेंगी। हाँ, आपके लिप्स पे टिंट रह जाता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम कम्प्लीटली निकल जाएगा। लाइट सा टिंट, जैसा कि अभी आप मेरे लिप्स पे देख रहे हो, टिंट रह जाएगा। बट गाइस, ये बहुत ज़्यादा क्रीमी है, तो जिनके ड्राई लिप्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। बट जिनके लिप्स नॉर्मल हैं, मुझे नहीं लगता कि ये उनके लिए कुछ अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बिल्कुल भी लास्ट नहीं करती है। कलर पे ऑफ अच्छा है, बट लास्टिंग पावर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। 2 to 3 आवर्स, और अगर आपने कुछ खाया या कुछ पिया तो ये बिल्कुल भी निकल जाएंगी। तो जिनके ड्राई लिप्स हैं वो इन लिपस्टिक को एक ट्राई दे सकते हैं। मुझे ये लिपस्टिक कुछ ज़्यादा पसंद नहीं आई। इससे फार बेटर मुझे NYBA एक्स शक्ति लिक्विड लिपस्टिक लगी। वो लिपस्टिक बहुत अच्छी है, उनका स्टेइंग पावर भी बहुत अच्छा है, और वो लिप्स पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं। चलिए, मैंने इस कलेक्शन के 2 शेड परचेज किए हैं। फर्स्ट वन इज़ चेस 01 एंड द सेकेंड वन इज़ फेदर स्टेप 14। ये शेड भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही प्यारा ऑरेंज शेड है। चलिए, मैं आपको इसका हैंड स्वॉच दिखाती हूँ, आपको विजिबल हो रहा होगा। बहुत ही प्यारा शेड है गाइस। शेड बहुत प्यारे हैं, प्रीटी हैं, बट स्टेइंग पावर अच्छा नहीं लगा। सिर्फ स्टेइंग पावर की वजह से मुझे ये लिपस्टिक कुछ खास पसंद नहीं आई। अदरवाइज लिप्स पे बहुत ईजिली अप्लाई हो जाती है, टेक्स्चर बहुत अच्छा है, लिप्स से बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी रहती है, लाइट वेट भी है, और फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, पैकेजिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत ही अफोर्डेबल रेंज है, क्रुएल्टी फ्री है। बट ओनली फॉर स्टिंग पावर की वजह से ये लिपस्टिक मुझे पसंद नहीं आई है। बट जिनके ड्राई लिप्स हैं उनके लिए ये लिपस्टिक बहुत अच्छी है, वो इन लिपस्टिक को ट्राई दे सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छी है उनके लिए। तो चलिए, अब मैं आपको 1 by 1 करके इनके लिप्स वॉश दिखाती हूँ। देखा
देखा ये दोनों ही लिप शेड बहुत ही ज़्यादा प्रीटी हैं, ये लिप्स पे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहती हैं लिपस्टिक। इनके अगर कलर पे ऑफ की बात की जाए तो कलर पे ऑफ भी बहुत अच्छा है। और गाइज ये लिपस्टिक क्रुएल्टी फ्री है, लिप्स पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है, फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी है। बट गाइज इनके जो स्टेइंग पावर है वो बहुत ही ज़्यादा कम है और बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफ़र होती हैं। ये बातें मुझे इसके बारे में पसंद नहीं आई, इसलिए मुझे ये लिपस्टिक बहुत कम पसंद आई है। बट NYBX सत्ती रेंज की जो लिक्विड लिपस्टिक है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, उनकी जो लास्टिंग पावर है वो बहुत अच्छा है। बट गाइज ऐसा नहीं है कि इन लिपस्टिक बहुत ज़्यादा बुरी है, ऐसा भी नहीं है, इस प्राइस में ये सही है। जिनके ड्राई लिप्स हैं उनके लिए तो ये लिपस्टिक बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ये लिप्स पे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी और उनको बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं होगा। बट पर्सनली मुझे ये लिपस्टिक कुछ खास पसंद नहीं आई है। मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप इन लिपस्टिक को परचेज़ करें जिनके लिप्स ड्राई नहीं हैं, बट जिनके लिप्स ड्राई हैं वो इनको ट्राई दे सकते हैं। अगर आप इन लिपस्टिक को ट्राई देना चाहते हैं, इनको परचेज़ करना चाहते हैं, तो मैंने इनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप वहाँ से चेकआउट कर लेना। आई होप गाइज मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर माई वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।